उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। यूपी कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को लेकर सबसे पुख्ता जानकारी सामने आई है। यूपी में फिलहाल अगले 6 महीने तक मंत्रिमंडल में कोई भी फेरबदल या विस्तार नहीं किया जाएगा। यूपी नगर निकाय चुनाव के बाद ही कैबिनेट विस्तार या उसमें फेरबदल पर चर्चा हो सकती है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 के बाद से अभी योगी सरकार को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, इसी के चलते मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। हालांकि ये खबर भी है कि आगामी 30 जनवरी से पहले बीजेपी की यूपी इकाई में बड़ा बदलाव हो सकता है। कई मोर्चों के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। कई पदाधिकारियों का पद जा सकता है। वहीं मंडल अध्यक्षों को भी बदलने की बात सामने आ रही है। इसके लिए संगठन लिस्ट तैयार कर चुका है। ऐसी भी खबरें सामने आई कि जिन मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी भी दी गई थी, उन्हें मुक्त किया जा सकता है। जान लें कि साल 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने भारी बहुमत से जीता था, जिसके बाद राज्य में दोबारा बीजेपी सरकार बनी थी। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके अलावा 50 से ज्यादा मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। बता दें कि निषाद पार्टी और अपना दल भी योगी सरकार में शामिल है। उनके सदस्यों को भी योगी 2.0 के मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। गौरतलब है कि तमाम ऐसे बीजेपी के विधायक और नेता हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि योगी कैबिनेट के विस्तार में उनको अहम पद दिया जा सकता है, पर फिलहाल अगले 6 महीने तक ऐसा नहीं हो पाएगा। जानकारी के मुताबिक अब यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव के बाद ही यूपी कैबिनेट का विस्तार या उसमें कोई फेरबदल होगा। वहीं आपको बता दें कि यूपी में संगठन में बदलाव होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि यूपी के डिप्टी सीएम गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली गए थे। उनके दिल्ली की यात्रा के बाद ये कयास तेज हो गए कि जल्द ही यूपी भाजपा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केशव प्रसाद मौर्य का अमित शाह से मुलाकात ऐसे समय में हुआ जब यूपी में निकाय चुनाव सर पर है और दूसरी तरफ भाजपा ने 2024 चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी हैं। और दूसरी तरफ यूपी में नए प्रभारी को बदलने की भी तैयारी है। कहा यह भी जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद यूपी प्रभारी को बदला जा सकता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यूपी में बीजेपी की नई टीम और संगठन के बदलाव की तैयारियां तेज हो गई, जिसके बाद जल्द ही यूपी बीजेपी संगठन में कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। हालांकि इसके लिए भी अभी आलाकमान की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों की माने तो मकर संक्रांति के बाद यूपी बीजेपी के प्रभारी को बदला जा सकता है। इसके अलावा जनवरी के अंतिम या फरवरी के दूसरे सप्ताह तक नए प्रभारी के नाम की घोषणा हो सकती है। 16-17 जनवरी को दिल्ली में होने वाले बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद नए प्रभारी के नाम को फाइनल किया जा सकता है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।